प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि लगभग सभी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस साल 5 जून को एक याचिका के आधार पर वर्ष 2018 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द करने संबंधी सरकार की अधिसूचना को अवैध करार दिया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया जब आरक्षण सुधारों को लेकर बांग्लादेश में हिंसक झड़पें हो रही हैं। इन हिंसक झड़पों को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार की रात ही कर्फ्यू लगा दिया था। बांग्लादेश में हो रहे इस पूरे प्रदर्शन के केंद्र में सरकारी नौकरियों में 30% का वो आरक्षण जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा इनके बच्चों के लिए आरक्षित है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।